अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं मोहम्मद शाबिस, मोहम्मद इनायत। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट सजेस्टेड ओएसटी। यू नो, रिसेंटली हमने डंक की ओएसटी के ऊपर रिएक्ट किया था। नहीं, डंक और खामोशी, ये दो नाम हमेशा कमेंट बॉक्स में देखने को मिलता है। ओके, सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं खामोशी। खामोशी ओएसटी, बिलाल खान फीट, क्या है, शुमैला, शुमैला स्टेरिंग कौन है यार? सिंगर बिलाल खान, शुमैला, कंपोजर इज आसिफ अली। आतिफ अली, इलियास कश्मीरी। आई थिंक इसमें हमें हीरामणि दिख रही है क्या? नहीं, हीरामणि नहीं है, वो नहीं है, नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। आई थिंक बिलाल खान के ऑफिशियल पेज पे ये, होप कि इसके ऊपर ये ना हो। कास्ट जारा नूर, अब्बास, सारी इकरा अजीज है इसमें, अफान वाहिद हैं, बिलाल खान हैं, जारा नूर अब्बास, ओ इकरा अजीज हैं इसमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट, एंड यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, जिसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं हमारे ऑफिशियल कड़क रिएक्शन के पेज को। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हो, कर लो, जिसके लिए लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। ये पहले का नाम था, चलो अच्छा ये हैं बिलाल। अच्छा अच्छा बिलाल नहीं है, अब्बास वाहिद है। अब्बास, अच्छा अच्छा खामोशी, शी लुक्स वेरी इंडियन है। हाँ, अच्छा हाँ। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऐसा लिप सिंक होता हुआ, बहुत बढ़िया दिखता है। ये आवाज किसी और ओएसटी से लग रहा है मुझे, ये सिंगर वही है, सिंगर बड़ा शॉर्ट या नाइस। Shot really well. Yeah,
ये हैं बिलाल, नाम इनका बिलाल सईद। क्या जो सिंगर हैं बिलाल खान? बिलाल खान, अच्छा अच्छा हाँ, शुमैला एंड बिलाल खान। आई थिंक पहली बार ऐसा ओएसटी देखा है हमने कि मोर ड्रामा के सीन्स के ग्लिम्स के बिना ज्यादातर सिंगर्स के ऊपर एंड या बोल कफारा वाज देयर, लेकिन इस तरीके का नहीं था, वो बहुत अलग तरीके का था, थोड़ा इंटेंस था बोल कफारा। हाँ, सिंगर्स दिखाई दिए थे हमें, लेकिन स्टिल इट वाज अ वेरी डिफरेंट जॉनर, ड्रामेटिक था वो थोड़ा सा। हाँ, और सिंगर्स को भी काफी कम ही दिखाया गया था, ज्यादातर एक्टर्स को ही दिखाया गया था, बट यहाँ पर द हाईलाइट वाज डेफिनेटली द सिंगर्स। And maybe it looks like a cover song actually, नहीं बिलाल खान का एक cover song हो। Exactly, हाँ। Maybe I think official OST तो है ये। I think बिलाल खान ने भी create किया, बिलाल खान अपने लिए कुछ shoot किया हो या फिर कुछ ऐसे भी हो सकता है। नहीं ये नहीं, नहीं मुझे हाँ maybe वो भी हो सकता है, लेकिन what I think is if एक drama है okay, तो drama के लोग definitely singers को उतना highlight नहीं करेंगे, उनके जो drama का है वो उसी चीज़ को highlight करेंगे, because to create a hype। यहाँ पर इट वॉज ऑल अबाउट द सिंगर्स, सो डेफिनेटली आई थिंक बिलाल खान ने इसे सेपरेटली अपने लिए शूट किया है। ऑफिशियली हम टीवी पे शायद खामोशी का ओएसटी ड्रामा के ग्लिम्स के साथ आया होगा। ये इस तरीके क्या है, आई लव द वे द सिंगर, द फीमेल लीड, द वे शी गेव एक्सप्रेशन एंड वो जो ईज थी, और इखराज इसका जो पहला सीन दिखाया था उसमें इखराज ने जो कलर का ड्रेस पहना था मुझे वो बड़ा पसंद आया। वो कहीं ना कहीं इसको बहुत कम देखा, नहीं बहुत कम देखा, लेकिन जितना दिखा आंखें में भराई, उसमें क्या है कि भराई मतलब आंखें में भरकर दिखी वो। बेसिकली क्या है कि इखराज इसके जब तक मैंने आपसे ऑब्जर्वेशन किया है, मैंने इनको कपड़े जो इनके कलर होते हैं, कलर चल जाते हैं, वो बबली बबली होते हैं, थोड़ा डिफरेंट ही होते हैं कलर ड्रेसिंग की, जो यूज पहनते हैं कपड़े ये जो उनको बेहतर से बेहतर सूट करें वही पहनते हैं, कुछ भी नहीं पहनते ये। एंड लगता है कि बहुत बड़ी सोच होती है इनके कैरेक्टर्स के बीच में, मतलब इनके जो कपड़े पहनते हैं ये। और उसके साथ साथ जो सिंगर थे, मेल सिंगर तो अच्छा किया ही उन्होंने, साथ में फीमेल सिंगर ने जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्रेशंस दिए कहीं और देख के, इसमें क्या है कि मेल सिंगर इज कम्प्लीटली फोकस इन द कैमरा एंड द फीमेल सिंगर इज नॉट, शी इज लुकिंग एल्सवेयर। याद सुनाऊं किसको, ऐसे करके देख रहे हैं उतना यहाँ पे, या ही इज लुकिंग स्ट्रेट एंड शी इज लुकिंग देयर एंड शी ऑलवेज हैड लुकिंग देयर और इज इधर देयर एंड शी इज लुकिंग इधर देयर। दो जगह में ऐसे एक थे। ड्रोन शॉट्स वर अमेजिंग एंड आई वांटेड टू सी द मेकिंग द बिहाइंड द सीन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर शूट, क्योंकि कितना मजा आया होगा ना ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी उतने लोग नहीं वहाँ पे, दैट्स द बेस्ट पार्ट, द वेरी लेस पीपल देयर। पता नहीं खाली किया गया था उसको या फिर पता नहीं, बहुत सारी जगह मिल जाएंगे शायद पाकिस्तान में है क्या। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम माय पीपल इफ इट्स पाकिस्तान ओनली द प्लेस वेयर इट हैज बीन शॉट। आई थिंक वी माइट गेट इट इन द कमेंट्स ओनली, आई थिंक मिल जाएगा। नहीं है क्या, ओएसटी एंड ड्रामा मतलब फ्रॉम बांग्लादेश नहीं है शायद, वरना दिख जाता। I think the place is amazing, but I think Pakistan is also a place वहाँ पर बहुत अलग अलग जगहें भी है, you know the mountain places, beaches. अब see definitely in every country it is there, but I think Pakistan को हम लोग जितना जानते हैं उतना Pakistan की चीज़ों को हमने explore नहीं किया है, जगहें वगैरह you know। मैं बोलूँगा आपको, जहाँ तक रेत हो गई रेगिस्तान हो गया वो राजस्थान की तरह से मिल जाएगा। हाँ। जहाँ तक पहाड़ों की बात आई वो आगे हिमा कश्मीर से थोड़ा थोड़ा, कश्मीर उनके पास भी है। हाँ। कश्मीर का जो हिस्सा है वो वहाँ से आ गया, और रही समंदर की बात, समंदर तो उनके पास है ही, समंदर का अरेबियन सी का एक हिस्सा मिलता है वहाँ। हाँ। पे और हो गया कितना हो सकता है ना, क्या होना है, क्या चाहिए, समंदर और पहाड़ और रेत, मतलब वही चाहिए, वही बेसिक थिंग्स है। वहाँ पे रेन्स भी हैं, स्नोफॉल्स भी हैं, शायद वॉल्केनोज नहीं है वहाँ पर, जस्ट लाइक इन इंडिया एनिमल्स कोई भी वॉल्केनो नहीं है वैसे तो यहाँ पे है नहीं, तो आई थिंक वही सब कुछ है वहाँ पे भी। और यहाँ पे जो इट हैज बीन ब्यूटीफुल शॉट ना, वाज अमेज्ड टू सी कि ऐसी भी लोकेशन है क्या। आई बिलीव इज नहीं, वो जगह जो है बहुत ही बेसिक जगह थी, उसको शूट में और यू नो उसको क्रिएट उस तरीके से किया, इट्स अ बेसिक बीच टाइप जो भी था उसको यू नो प्रेजेंट उस तरीके से किया उन्होंने। एंड आई थिंक वील गेट लॉट ऑफ बीचेस लाइक यू नो मैंगलोर एंड ऑल नहीं, जहाँ पर प्री वेडिंग्स होती हैं यू नो, तो प्री वेडिंग्स के बीचेस में बेसिकली क्या होता है कि लोग नहीं रहते वहाँ पर ओके, बहुत खासकर जब वीक डेज होते हैं ना तो लोग नहीं रहते, तो बेसिकली हमको भी यहाँ पर शॉट्स मिलते हैं। सो आई थिंक दैट्स द टाइप ऑफ प्लेस वहाँ पर भी होगी, एंड इट वॉज अ ब्यूटीफुल शॉट एंड आई नो आई लव द पार्ट। इट वॉज नॉट लाइक सिंगल शॉट्स को नहीं दिखाया गया है, डिजॉल्व जो आता है ना, तो डिजॉल्व को डाल के डिजॉल्व को जब यू नो एक्सटेंड करते हैं नहीं, तो दो शॉट्स मर्ज होते हैं उसमें।
दिस शॉट एंड दिस शॉट, वो बहुत अच्छी तरीके से यूज किया और गया क्रिस्प वहाँ पर, मतलब हो के भी कहीं पे भी वो एक्सप्रेशन छूटे नहीं कहीं पे भी, सेम स्पेशली लिपसिंग्स नहीं छूटे, मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स वाइड में थे, जितने भी क्लोज में जा रहे थे वहां पर लिपसिंग नहीं छूटी, बिकॉज डिजॉल्व जब डालते हैं तो एक सेकंड इधर का और एक सेकंड इधर का खाता है वो, तो लिपसिंग मिस होती है. एंड द फ्लो वाज वेरी स्मूथ, या बट आई द स्टार ऑफ दिस सॉन्ग इज द फीमेल लीड, यहाँ जिन्होंने शुमैला अमेजिंग फीमेल लीड हैज डन एन अमेजिंग जॉब, शी लुक्स मोर लाइक एन इंडियन एक्ट्रेस आई थिंक, ऐसी एक एक्ट्रेस भी है मुझे नाम नहीं पता उनका, इफ आई रिमेंबर हर नेम, आई डोंट नो बट आई घूमता रहता है दिमाग में ऐसे, तो बहुत सारे एक्ट्रेस को देखता हूँ मैं फीमेल टेलीविजन के, यहाँ पे देख के मुझे सिमिलैरिटीज लगी, शी लुक्स मोर लाइक शी हैज अ इंडियन सीरियल गर्ल फेस. आई एम कमिंग टू द ड्रामा, आई थिंक दिस अ टाइप ऑफ ड्रामा जहाँ पर लव बिट्रेल टाइप ऑफ थिंग होगा. आई थिंक इकरा अजीज एंड अदर फीमेल लीड आर समथिंग लाइक सिस्टर्स, एंड वो लोग एक विलेज गर्ल्स हैं. आई थिंक बोथ द लीड एक्टर्स आर फ्रॉम अ वेरी नोन फैमिली, बिकॉज बड़े घर दिखा रहे थे स्टार्टिंग में, बहुत यू नो दे खेत वगैरह सब दिखा रहे थे, दिस इज द टाइप ऑफ होगा. बट या डेफिनेटली हमको ड्रामा के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली बिकॉज ऑफ वेरी लेस क्लिम्स, बट आई थिंक तारीफें बहुत सुननी है इसकी. सो या सो दिस वाज आवर रिएक्शन खामोशी ओएसटी. यू वांट टू से समथिंग? नथिंग, द फीमेल लीड स्टोल माय हार्ट एंड शी वाज लुकिंग अमेजिंग, हर एक्सप्रेशन. आई थिंक यहां पर पहली बार हम लोग इकरा अजीज के अलावा किसी और के बारे में बात कर रहे हैं. जब भी इकरा अजीज के वीडियो के ऊपर बात करते हैं तो हमारा पूरा टॉपिक इकरा अजीज के ऊपर ही रहता है. आई वाज वेटिंग कब आएगी लड़की होगा, एंड अमेजिंगली अगेन वंस अगेन दे हैव प्रूव्ड कि कितने स्ट्रांग फीमेल कैरेक्टर्स बनाते हैं ये, और कैसे ये अपने एक्ट्रेसेस को मतलब एक आई कैंडी नराना रखे, मतलब बिना उनको एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दे के उनको वहाँ पे रखते हैं और इम्पोर्टेंस देते भी हैं. Yes. और किस तरह से उनका एक्ट, वो जो पर्सनैलिटी होती है एक फीमेल की, एक थॉट प्रोसेस होता है फीमेल का, एक जो थिंकिंग होती है, जो कि एक्चुअली में ऐसा नहीं कि मुझे इससे करना है, मुझे इसे धोखा देना है, या फिर मैं वैम्पायर हूँ, या फिर मैं वैम्प हूँ, या फिर कुछ भी हूँ मैं, ऐसा नहीं. उनके एक्चुअली जो इमोशंस होते हैं वो जो निखार कर लाते हैं इनके राइटर्स, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे शोज हैं, फॉर एग्जांपल बालिका वधू, और बालिका वधू का दूसरा पार्ट आया है, और रिसेंटली दूसरा आया है क्या? हाँ, अभी नया पार्ट वाला आया है. एंड ऑल्सो देर इज़ वन शो कॉल्ड नीमा डेंजोंगपा, आजकल आ रहा है कलर्स पे ये शो आ रहा है इंडिया में. नीमा डेंजोंगपा एक सरनेम होता है ये नॉर्थ ईस्ट का, वो भी फीमेल सेंट्रिक अगर कैरेक्टर की बात करें तो अभी के लिए, अभी तक मैं बालिका वधू के बाद नीमा डेंजोंगपा इज द स्ट्रांगेस्ट कैरेक्टर जो मैंने इंडिया में देखा है अब तक. व्हाट अ कैरेक्टर. शी इज़ बेसिकली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, जो यहाँ पे लव मैरिज की खातिर यहाँ पे आती हैं. शी गेट्स मैरिड टू अ गाय कॉल्ड सुरेश इन इंडिया, मुंबई. बट अगेन सम थिंग्स हैपन, द मदर इन लॉ डजंट लाइक हर एंड शी गिव्स बर्थ ओनली टू डॉटर्स, एंड देन शी इन्फ्लुएंसेस हर सन, मदर करती है, उसके बाद कुछ हो के उनको लास्ट में घर से निकाल दिया जाता है उसको, एंड शी गोज आउट. एंड द वे शी हैज प्लेड दैट कैरेक्टर, द स्ट्रांगली द वे शी लुक्स प्रीटी एज वेल एज शी लुक्स गिव्स अ अमेजिंग परफॉर्मेंस. I think that's what I can see in Pakistani OSTs also, serials also. That's what I can see. Yeah. Okay, so this was our reaction on Khamoshi OST. जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट, एंड यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, जिसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं. दिस इज मोहम्मद शाहविज, मोहम्मद इनायत, साइनिंग ऑफ.